कौन में है इसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। आयो अफमान मसीह के मिस्टर हसन बताएंगे। गिलवाल ने इसका बहुत बड़ा एलिवेटर दे रखा है, ये टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक इसको तो पानी में लगाओ और गट्टे भरने यहाँ पे गट्टा बोरी लगा के भर सकते हैं। किसान भाई के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। और किसान के पास गट्टा वगैरह नहीं हो तो इसको खोल के ऐसे ढेरी भी लगा सकता है किसान भाई, एक बार गट्टे की व्यवस्था ना हो बाद में गट्टा भर सकता है। और इनके बेरिंग के भी बहुत क्वालिटी दे रखी है, इसके टेक्नोलॉजी के काम किए हैं, इनके पेप दे रखे ग्लीस करने के लिए, ये निकल से ग्लीस हो जाता है, बहुत अच्छा है। और ये बिल वाले ने हवा का बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है, इससे अनाज पूरी तरह साफ हो जाता है, किसान भाइयों को दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन दे रखा है हवा कम करने के लिए नीचे करो और ज़्यादा करने के लिए ऊपर, और अनाज ज़्यादा सफाई वगैरह देनी हो तो ये भी सिस्टम दे रखा है, इसका सिस्टम उधर से चलेगा और ये निर्देशानुसार दे रखे सिस्टम, सारा सिस्टम रहेगा इसका। और इसके ये तीन प्रकार की जाली दे रखी है साफ करने के लिए, बहुत बड़ा है छालना दे रखा है, अंदर का सिस्टम है, इससे दाने वगैरह चकती है तो इसको ऊपर करके रोका जा सकता है। और एक इसके ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का काम दे दिया है, इसके अंदर जैसे ही माल बच जाए, माल के अंदर कोई गुण लग जाए वगैरह, इसके अंदर दोबारा से निकाल सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं माल। और ये बेल्ट वगैरह बहुत बड़े दे रखे हैं इन्होंने, इनका ये पहली विशेषता दे दी इन्होंने, किसान के लिए बाद में कोई भी रुपया नहीं लगेगा, ये पहले इन्होंने लगा के दे रखे हैं, साथ में देंगे, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जैसे ये बेल्ट ढीला हो जाएगा ना तो इसको ऊपर करके लगा सकते हैं, सही है। पहले ना कंघी सिस्टम था ना इसका, ये बहुत औखा था, किसान भाई बहुत परेशान होता था, इसके अंदर इसको खोल के ये 10 ब्लेड अलग निकल जाएंगे, निकाल सकते हैं इसको करके वापस डाल दो नया ब्लेड लग जाएगा। और इसके ये पत्रा लगाने का सिस्टम था ना, जैसे ये भाई साहब नया सिस्टम दिया है ना गिल वालों ने, ये गिल वालों ने दिया, इसके अंदर जैसे पहले चना वगैरह निकालते थे ना, जब ये हाथ से पत्रा डालता किसान भाई, आप थोड़ा करके दिखाओ, ऐसे इस तरह बारी के अंदर जा रहे हैं, लगा सकते हैं इसको ऐसे लगा और ये पत्रे लग जाएंगे। और इनके पत्रे अंदर ये बाहर ही दे दिया, बाहर दे दिया किसान भाई के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये फेयरिंग पहले किसान भाइयों में शिकायत आई थी, इसके अंदर बहुत औखा होता था ये, इसकी अब किसान भाइयों को लगा दिया, गिल वालों ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। और ये इसका विदाउट चैन का है ये सिस्टम, इसके अंदर कोई भी अलग से नहीं लगेगा, नहीं तो चैन में दिक्कत आती थी, इसकी चैन बाहर कर दी है। ठीक है ये बाहर कर दी है, सारे बेरिंगों को दे रखी है, ये कोई कंपनी नहीं दे रही, सिर्फ गिल वाले दे रहे हैं। ओके सर। और इसका ये सिस्टम देखो बहुत अच्छा है, और ये जैसे माल डाल दिया मशीन चौक हो रही है, इसको ऊपर से उठाओ, मशीन सांस ले लेगी, ट्रैक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, अगला माल निकल जाएगा बाद में, इसको वापस नीचे कर। ठीक है सर। इसमें कोई मरम्मत का काम नहीं है, चेन रूलर सिस्टम दिया है, रूलर सिस्टम है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लोगे बार बार चलेगी ये मशीन। चेन वाले सिस्टम में थोड़ा रिपेयर का काम बहुत ज्यादा था, रिपेयरिंग का काम बहुत घटा दिया है इसमें। और जाली रखने के लिए नीचे से देखो, किसान भाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जाली इसके अंदर रखो, जाली यहाँ पे भी रख सकते हैं मशीन को, कहीं भी जाओ। इसकी चाल की सिस्टम में बहुत अच्छी चाल वगैरह दे रखी है, इसकी ये पूरी बढ़ा के चाल को पूरा सिस्टम से लगाया है इन्होंने। और ये ऊपर लेट लगाने के लिए किसान भाई वैसे कोई रुपया नहीं लगेगा, लेट तो आपके रुपये लगाने पड़ेंगे, और लेट लगाने दो लगाओ तीन लगाओ लगा सकते हैं। और जो भी कुदरती ये जाड़ वाला सिस्टम चौक हो जाए तो इसको उठाने के लिए ये मशीन आराम से सेट हो जाएगी, इसके लिए अलग से सिस्टम दे रखा है, ट्रैक्टर दोबारा से रिफ्रेश हो सकता है, ट्रैक्टर को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा सिस्टम यहीं से हो जाएगा। ओके सर, बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। और ये है हमारे गिल साहब आ गए हैं, और इसके भी ये व्हील बहुत हैवी दे रखा है, मशीन बहुत टेक्नोलॉजी से चलती है। एक ये गिल वालों ने क्या दिया, ये नई चीज, ये टेक्नोलॉजी का काम करती है, पहले जैसे माल वगैरह आता था इधर गिर जाता था, एक बंदे की आवश्यकता होती गट्टा भर के जब टोकरा वगैरह डाल बटल वगैरह लेके पीछे जाओ, ये सिस्टम घटा दिया है, इसके अंदर माल आएगा वापस उसमें जाएगा, रिफ्रेश होगा, रिटर्न उसके अंदर वापस चला जाएगा। और ये डबल सिस्टम दे रखा है, ये कोई नहीं देता, यही दे रहे हैं, इसके अंदर जैसे ये माल जैसे मोटा डंठल आएगा मक्की वगैरह निकालते हैं जो अपने काम का नहीं है, वो नीचे गिर सकते हैं।
जो काम का जिसमें अनाज होगा वो इधर से जाएगा। और ये दो पत्र एक्स्ट्रा पहले से दे रखी हैं, बाद में किसान कोई भी रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं। ये अंदर लगते हैं, दो चना वगैरह निकालते हैं जैसे, हाँ हाँ वगैरह। और ये चूड़ी वाला सिस्टम देखो कितना बड़ा दे रखा है, इतना बड़ा कोई नहीं देता। ये तीन है, तीनों काम करते हैं। ये दो तो रेगुलर काम करते हैं, ये बहुत कम काम करते हैं। ये नाव साफ करने के काम आता है सिर्फ। ये सिस्टम दे रखा है, इसको नीचे करो ऊपर करो, ये हवा वाला सिस्टम, हवा वाला सिस्टम है। ये एक बिल आगे भी दे रखा, तीन बिल कोई नहीं देता, ये दे रहे। ये भाई साहब ये ऊपर क्या है, ये पत्ती ये पहले से लगा दिए हैं। इसके अंदर सिस्टम क्या है, जाल वगैरह रखने हैं जैसे दूसरे स्थान पे जाना हो। हाँ, जाल वगैरह, क्योंकि एक जाल तो लेके नहीं जाना होगा वहाँ पे, अपने को चना में निकालना है, मुंह में निकालना, सब सिस्टम निकालना पहले से दे रखा है। इसके ऊपर रखो ले जाओ। और इसको पूरी का सिस्टम देखो, चार जगह कम ज्यादा होती है। ये पुली डी की दे रखी, डी की मोटी पुली, मोटा बेल्ट दे रखा है। यहाँ पे होगी कम, फिर ज्यादा ज्यादा, चार जगह माइनस प्लस होगी। और ISOI का मार्क भी है सिस्टम। ओके सर, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, बात भी कर सकते हैं आप। ओके ओके सर।